दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस हिसाब से हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले 40 से 50 सालों तक तेल खत्म हो जाएगा। आज के टाइम पर ईरान और सऊदी अरब जैसे देश ही अमीर हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्सेज इन देशों के पास ही है। और इन देशों का एक संगठन होता है जिसे ओपेक कहा जाता है, और ये वही देश हैं जो तेल की कीमतों को डिसाइड करते हैं। और दोस्तों, जो पेट्रोल 2010 में 52 रुपयों का बिकता था, आज वो पेट्रोल 100 रुपए की कीमत भी पार कर चुका है। अब अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले टाइम पर हमें पेट्रोल लोन लेकर ही लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर पेट्रोल और डीजल कैसे बनाए जाते हैं, और ये इतने महंगे क्यों होते हैं? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, पेट्रोल बनाना वीडियो में जितना आसान लगता है, असल में ये उतना ही मुश्किल होता है। दरअसल पेट्रोल और डीजल जमीन से निकालने के प्रोसेस की वजह से महंगे होते चले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पेट्रोल कंपनीज पेट्रोल को पंप करके सीधा पेट्रोल जमीन से निकाल लेती हैं और हमारे तक पहुंचा देती हैं। दरअसल पेट्रोल या डीजल हमें जमीन के भीतर से गाढ़े और काले तरल पदार्थ में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। और ये दोनों ही फ्यूल इसी पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम का मीनिंग होता है चट्टानों से बनने वाला तेल। वैसे पेट्रोलियम के बनने की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले के टाइम पर धरती पर जब नेचुरल डिजास्टर्स हुए, तो जमीन पर रहने वाले पेड़ और जानवर जमीन के अंदर ही दब गए, और ये डीकम्पोज होकर प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। अब इसके बाद इंसानों ने कई बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम को निकाल लिया, और इस पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल होता है। और एक बार जब इसे निकाल दिया जाता है, तब इस कच्चे तेल को कारखाने में भेज दिया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि कच्चा तेल जमीन और समुन्दर दोनों में मिलता है, और जो तेल समुन्दर में होता है उसे बनाने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, और जो तेल जमीन पर होता है उसे निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। चाहे समुंदर हो या फिर जमीन, असली समय उसे निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, और सिर्फ तेल को ढूंढने में ही कई बार सालों लग जाते हैं और अरबों रुपयों का खर्चा भी होता है। और जो तेल आप तक पहुंचाया जाता है, उसके लिए कई बड़ी बड़ी मशीनें एक जगह से दूसरी जगह तेल निकालने में लगी रहती हैं। और जब फाइनली तेल मिल जाता है, तो मशीन को आसपास की चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है, ताकि ये हिल डुल ना सके। और इसके बाद समुंदर में ड्रिलिंग करी जाती है, और ये ड्रिल हजारों फीट नीचे होती है। तेल मिलने पर उसे रिफाइनरी में पहुंचा दिया जाता है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंडर्स में गर्म किया जाता है, और फिर उसके बाद अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें अलग अलग पाइप्स की मदद से निकाल ली जाती हैं। अब ये होता कैसे है? असल में पेट्रोल और डीजल अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं, और इसीलिए इसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जैसे पानी का 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे ही कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक कच्चे तेल को उबालना पड़ता है, और 40 डिग्री पर हमें पेट्रोल मिलता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल किस तरह बनता है। और एक बार जब पेट्रोल बन जाता है, तो टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि कितने ऑक्टेन का पेट्रोल बना है, और जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होता है, उतना ही ज्यादा महंगा और अच्छा तेल माना जाता है। और इसके बाद इसे टैंकर्स में भर के ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भारत में इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनीज अरबों रुपए इन्वेस्ट करती हैं, और तब जाके ये पेट्रोल कहीं हमारे तक पहुंचता है। अब बात करते हैं कि ये इतना महंगा क्यों होता है। दोस्तों, पहला रीजन तो आपको समझ आ गया होगा कि इसे निकालने का प्रोसेस बहुत खर्चीला होता है। अब पेट्रोलियम से निकालने वाले अलग अलग तेल की कीमत भी अलग अलग होती है। अब जिन देशों के पास अपने ऑयल रिजर्व होते हैं, वहाँ ये तेल सस्ते पड़ते हैं, और जिन देशों के पास ऑयल रिजर्व नहीं होते, वहाँ पर रिफाइनरी और डिस्टिलेशन का प्राइस और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। और उसके बाद भारत जैसे देशों में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करीब 70% टैक्स भी लगाती हैं। पेट्रोल और डीजल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और इसीलिए जैसे जैसे ये इस्तेमाल हो रहे हैं, वैसे वैसे ही ये खत्म होते चले जा रहे हैं, और इसीलिए ये महंगे होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आप अपने सवाल हमें कमेंट में पूछ सकते हो, और इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करके चैनल को